ऑल राइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. अभी जो हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात की, दे वेर इम्पैक्ट प्रिंटर्स. अब हम दूसरे प्रिंटर्स देखेंगे विच आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर कैरेक्टर फॉर्म करने के लिए, इमेज बनाने के लिए, वहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है बिटवीन द पेपर एंड प्रिंटिंग मैकेनिज्म. राइट, अगेन आई रिपीट, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में होता था कि प्रिंट हेड, इंक रिबन और पेपर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता था, वैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग करने के लिए, कैरेक्टर बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए प्रिंटिंग मैकेनिज्म और पेपर का, दोनों का फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है. राइट, सो एज आई हैव टोल्ड, अगर यहाँ पे प्रिंट हेड जो डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टेक्ट के साथ नहीं है पेपर के ऊपर, राइट, तो ऑब्वियसली वहां पे इंक रिबन भी नहीं चाहिए होगी. इंक रिबन तब चाहिए होगी या फिर इंक रिबन तब यूज होती है अगर मुझे फिजिकल कॉन्टेक्ट चाहिए. लेकिन ये पर्टिकुलर प्रिंटर के अंदर फिजिकल कॉन्टेक्ट ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इंक रिबन की भी जरूरत नहीं है. सो ऑब्वियसली इंक रिबन यूज नहीं होता है तो कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होती होगी कि जिसके ऊपर से पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकल सके. राइट, बिकॉज ऑब्वियसली हमें प्रिंट आउट निकालनी है, दैट इज पेपर के ऊपर हमें कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, कैरेक्टर प्रोड्यूस करने हैं. राइट, सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर अगेन आई रिपीट दैट इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी. राइट, कि कोई प्रिंटर के अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी भी होती है कि जहाँ पे लिक्विड इंक स्प्रे होती है. राइट, और स्प्रे होने के बाद हीट का यूज करके, प्रेशर का यूज करके पेज के ऊपर कैरेक्टर बनाया जाता है. और कोई इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा भी होता है जिसके अंदर पाउडर्ड इंक यूज होती है, विच इज नोन एज टोनर. फॉर एग्जाम्पल लेसर प्रिंटर है, उसके अंदर पाउडर्ड इंक यूज होती है, विच इज नोन एज टोनर. लेकिन अगर हम इंजेक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंजेक्ट प्रिंटर के अंदर इंक स्प्रे होती है, और ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर स्प्रे करना है तो हमें वहां पे लिक्विड इंक चाहिए. और अगर वहां पे अगर हम लिक्विड इंक यूज करेंगे तो वहां पे हमें हीट भी यूज करनी पड़ेगी ताकि वो लिक्विड, जो उसकी लिक्विडिटी है वो लूज कर सके. और वहां पे हमें प्रेशर का यूज करना पड़ेगा ताकि वो पेपर के ऊपर वो स्टिक हो सके. राइट, सो स्टूडेंट्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें, देन देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दैट इज इंजेक्ट एंड लेसर. अगेन आई रिपीट, देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दैट इज इंजेक्ट एंड लेसर, विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. Right? Now, if we talk about characteristics of non-impact printer. So, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर बहुत ही मूविंग पार्ट्स है, स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है, पेपर को मूव करना है, प्रिंट हेड को मूव करना है. राइट, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर स्लोअर. बट अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये पर्टिकुलर प्रिंटर के अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम है, और जितने का मूविंग पार्ट्स कम होंगे, राइट, उतना मैकेनिकल जो वहां पे बनाया गया होगा वो कम होगा. इसीलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. अगेन आई रिपीट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर कोई भी स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं है. यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर कोई भी हैमर नहीं है या फिर कोई भी प्रिंट हेड जैसा जिसे हमें स्ट्राइक करना सके, हैमरिंग करना पड़े. राइट, ऐसा कोई भी मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है. दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं है. इसीलिए अगर स्ट्राइकिंग नहीं होता है, हैमरिंग नहीं होता है, तो ऑब्वियसली दे विल बी क्वाइटर. क्वाइटर मतलब वो आवाज नहीं करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स बहुत ही नॉइजी है बिकॉज उसके अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है. लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए वो इतने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर क्वाइटर, वो आवाज नहीं करता है. राइट, अनदर थिंग इज, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर अगर मुझे डिफरेंट काइंड टाइप्स ऑफ कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, दैट इज विद डिफरेंट फॉन्ट्स, डिफरेंट साइज, तो वो भी ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करके वो प्रिंट कर देता है. जैसा हमारा डॉक्यूमेंट होगा,
अगर मैं कोई वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पीपीटी जो आपको स्लाइड यहाँ पे दिखाई देती है, उसका ये जो हेडर है वो कैरेक्टर की साइज बहुत बड़ी है, राइट? वो ब्राउन कलर के अंदर है. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये हेडर से थोड़ी कम है इसकी साइज. और बाद में जो ये कंटेंट है उसके जो फॉन्ट है उसकी साइज उससे भी छोटी है, और उसके अंदर ब्लैक और रेड कलर का यूज हुआ है. तो अगर मैं ये पर्टिकुलर स्लाइड नॉन प्रिंटर के प्रिंट करूंगी, तो ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइज ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट्स है, वो ऑटोमेटिकली डिटाइन करके वो प्रिंट कर देगा, विच वॉज नॉट पॉसिबल इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. बिकॉज मैंने आपको बताया था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सेटिंग करना पड़ेगा कि मुझे कैसे फॉन्ट प्रिंट करने हैं, एक लाइन के अंदर मुझे कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, राइट? बट द सेम थिंग इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइन इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. अनदर थिंग इज दैट कि अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं है, मतलब वो प्रिंट हेड नहीं है, राइट? सो ये पर्टिकुलर प्रिंटर के अंदर जो ग्राफिक्स की क्वालिटी प्रिंट होती है, प्रोड्यूस होती है, वो भी बहुत ही हाई होती है. हमें ब्रोकन लाइंस नहीं मिलेगी, हमें जैसे डायगोनल स्ट्रेट लाइन हम जैसे ड्रॉ करते हैं, वैसे ही सेम लाइन हमें प्रिंट आउट में भी मिलेगी. मतलब जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है वो भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ वो प्रोड्यूस कर सकता है. And the another part is that, but we can say that it can also be the limitation of non-impact printer. कि non-impact printer का use करके हम carbon copies print नहीं कर सकते. Because जैसे मैंने आपको बताया था कि impact printer के अंदर हम carbon copy इसीलिए print कर सकते हैं because वहाँ पे striking mechanism है. Because मुझे अगर carbon copy जैसे print out निकालनी है, तो मुझे वहाँ पे press करना पड़ेगा, text को प्रेस करना पड़ेगा, तो ही वो एक पेपर से कार्बन पेपर के ऊपर और कार्बन पेपर से दूसरे पेपर के ऊपर वो प्रिंट कर सकता है. सो लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में तो ऐसी कोई स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म ही नहीं है, प्रेसिंग मैकेनिज्म भी नहीं है, तो इसीलिए हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करके हम कार्बन कॉपीज की जैसी प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, राइट? So students, these are the characteristics of non-impact printers, right? Now the most important part is, आपको ये जो मैंने impact printers की characteristic दिखाई, मतलब समझाई, और non-impact printers की characteristic समझाई, इसके ऊपर से आप ये दोनों printers के differences भी आप लिख सकते हो. Again I repeat, जैसे मैंने आपको impact printers की characteristic समझाई और non-impact printers की characteristic समझाई, तो ये characteristic के ऊपर से आप impact printer और non-impact printer के difference भी आप लिख सकते हो. For example, impact printers are slower, non-impact printers are faster. Impact printers के अंदर they are mechanical in nature, उसके अंदर बहुत सारे moving parts है, लेकिन non-impact printers के अंदर moving parts बहुत ही कम है. Third point, impact printer के अंदर striking mechanism है, that's why they are very noisy. लेकिन non-impact printer के अंदर कोई भी striking mechanism नहीं है, that's why they are very quieter. अगर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट्स की बात करें, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमें एक्सप्लिसिटली सेट करना पड़ेगा कि हमें कौन से टाइप के फॉन्ट प्रिंट करने हैं, बट द सेम थिंग इज डन ऑटोमेटिकली विद एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम लो क्वालिटी की इमेज या फिर लो क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो ग्राफिक्स प्रोड्यूस होंगे वो बहुत ही हाई होंगे. अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, तो उसके अंदर हम कार्बन कॉपीज, दैट इज मल्टीपल कॉपीज भी हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम कार्बन कॉपीज जैसी हम प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे ये दोनों प्रिंटर की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हो, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आपको याद रखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हो. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, दैट इज एंड करके करते हैं. अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे.